हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स मैजिक। और आज है संडे और संडे को मेरे चैनल पे आप देख सकते हो बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़। तो आज मैं बना रही हूँ आलू सूजी फिंगर्स या आलू सूजी टिक्की भी आप इन्हें कह सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और बहुत ही टेस्टी भी होती हैं। एक साल के ऊपर के बच्चों को आप इन्हें आसानी से खिला सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। आलू सूजी फिंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी सूजी और दो उबले हुए आलू। और अब मैं एक ये सॉस पैन लिया है, इसके अंदर हम एक गिलास पानी डालेंगे, एक से सवा गिलास पानी। पानी गर्म होने के बाद एक चम्मच तेल इसमें डाल देंगे और डाल देंगे सूजी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। गैस को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। मीडियम गैस पे हम इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक सारा पानी सूख ना जाए और ये सूजी अच्छे से फूल जाए पानी के अंदर। तो इस तरह से चला चला के हमें एक डो टाइप का रेडी करना है इसका। सूजी जो है वो इस तरह से पानी में काफ़ी अच्छे से पक जाती है। तो आप देख सकते हो कि सूजी धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। और जब ये सूजी गाढ़ी हो जाए तो 5 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख दीजिए। 5 मिनट बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से ठंडा होने के लिए फैला के रख देंगे। अब हम इन जो उबले हुए आलू लिए थे उनको फोड़ लेंगे और इस तरह से मसाले डालेंगे। हींग डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, अभी नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे रेड चिली एंड इसमें अब डालेंगे जीरा पाउडर। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे तो सिर्फ नमक से भी बना सकते हैं, आपको कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें मसाले डाले हैं। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब ये जो आलू का मसाला बनाया है इसको हम इस सूजी बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथ पे ऑयल लगा के हमें एक डो रेडी कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, आधा चम्मच तेल बस हमें लेना है, और उस जिससे कि ये सब चिपके ना, अच्छे से डो रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हो ये डो रेडी हो गया है हमारा। और अब हम इसकी फिंगर्स बनाएंगे, बिल्कुल हाथों में चिपकेगा नहीं। आप इस तरह से छोटी छोटी लोई टाइप की लेके और इस तरह से फिंगर्स बना सकते हैं। और फिंगर्स के साथ आप इसे दूसरी शेप में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टिक्कीज़ भी आपको बना के दिखाऊंगी साथ में। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ टिक्कीज़ भी बना रही हूँ। इस तरह से आप छोटी छोटी टिक्कीज़ भी बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें फिंगर्स को हम तलने के लिए डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए स्टेज पर, और गैस को हम मीडियम रखेंगे तलते हुए। अब धीरे धीरे थोड़ा पलट पलट के इन्हें चला लेंगे और सेक लेंगे, मतलब तल लेंगे। और ये जो इस स्टेज पे जो गैस है वो मीडियम रहेगी और बहुत ज़्यादा करारे हमें नहीं करने हैं। 3 से 4 मिनट में ये सिक जाते हैं। आप देख सकते हो ये सिक चुके हैं, मतलब अच्छे से तल चुके हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है जिससे कि करारे हो जाएंगे, बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से टिक्की भी सेक ली हैं, आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और आप देखिए ऋत्विक को भी ये खाने में काफ़ी अच्छे लगे, उसने काफ़ी इन्जॉय किए। आजकल ऋत्विक को भी हाथ से पकड़ के खुद से खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो इन्हें काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।